एवरीवन, मैं शाइन सैयद, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ आज मैं पास्ता का नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने पास्ता ले लिया है, इसमें मैक्रोनी भी मिक्स है, पास्ता और मैक्रोनी मिक्स है इसमें। तो हम इसको उबालेंगे। और मैंने यहाँ पर, मैं वेज पास्ता बना रही थी, यहाँ मैंने वेजिटेबल ले लिए हैं। यहाँ पर ले लिए गाजर, ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए दो, उसका जो दाने वाला हिस्सा वो निकाल दिया है। और यहाँ पे ले लिए दो शिमला मिर्च, उसे ऐसा काट लिया है स्क्वायर में। और यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी ले ली, उसे बारी बारी काट लिया है। पास्ता उभारने के लिए मैंने गैस पर पहले से पानी चढ़ा के रखा था। और इसमें डाल देंगे एक चम्मच ऑयल, छोटा वाला चम्मच, टीस्पून, एक टीस्पून ऑयल। इसको उबालने देंगे। यहाँ पर पानी को उबाल आना शुरू हो चुका है। इसमें डाल देंगे ये मैक्रोनी पास्ता, इसे अच्छी तरह उबालेंगे। यहाँ पर देखिए पास्ता पककर रेडी हो चुका है। तो हम इसे निकालेंगे, स्ट्रेनर में निकालेंगे इसे। यहाँ पर देखिए मैंने इसे निकाल दिया है। इसमें डाल देंगे ऑयल, दो चम्मच ऑयल डालूंगी मैं। इसको गर्म होने देंगे। इसमें डाल देंगे अदरक, कद्दूकस किया हुआ। इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, सभी सब्जियां डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए बस। इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। इसमें डाल देंगे हल्दी एक चौथाई चम्मच। इसमें डाल देंगे पास्ता, इसे मिक्स कर लेंगे। इस वाले चम्मच से हम डाल देंगे चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे एक चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे। उसी चम्मच से एक चम्मच डाल देंगे रेड चिली सॉस और आधा चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने मिर्ची बिल्कुल नहीं डाली, हरी मिर्ची। मैंने ग्रीन सॉस और रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस डाला है। तो इसमें तीखापन जो चाहिए वो आ जाता है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची या कोई भी सॉस मत डालिए, विदाउट सॉस के या मिर्ची के बनाइए। यहाँ पर हमारा पास्ता का नाश्ता रेडी हो चुका है। इसमें डाल देंगे हरा धनिया और प्लेटिंग कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने पास्ता निकाल लिया है। इस पर डाल देंगे चाट मसाला, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। आपको चाट मसाला पसंद है तो डालिए, वरना स्किप कीजिए। और इस पर डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म पास्ता रेडी हो चुका है। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। ये जैसा ही वीडियो ख़त्म होता है मेरे बच्चा पूरा ही ख़त्म करने वाले हैं, तो एक भी नहीं बचने वाला है। तो फिर फटाफट से मेरी रेसिपी ट्राई करना, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।